नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेनू कानपुर से। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था में डायबिटीज़ के बारे में। आपको पहले कभी भी हाई ब्लड शुगर या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी और अब अचानक से आपको कहा जाता है कि मरीज़ को डायबिटीज़ की समस्या है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसका असर गर्भवती माँ और बच्चे दोनों पर ही पड़ता है। क्यों होती है ये समझना आवश्यक है और किसको ज़्यादा होने की संभावना है ये भी समझिए, जिससे कि आप जब अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें। वह महिलाएं जिनके मदर या फादर को डायबिटीज़ की शिकायत है या उन्हें कभी पीसीओडी की समस्या रही हो या उनका वज़न नॉर्मल से बहुत अधिक हो, उनके हाइट के हिसाब से उनका वज़न अधिक हो, ऐसी महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान भी ब्लड शुगर लेवल 140 से ऊपर ग्लूकोज पीने के बाद अगर आता है तो उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। यह टेस्ट एक स्क्रीनिंग की तरीके से अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूज़ करना शुरू किया है, जिसमें 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद यानी कि 24 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद महिला को 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाते हैं और अगर आपकी वैल्यू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आती है तो फिर फर्दर चेकअप होने ज़रूरी है यह कन्फर्म करने के लिए कि क्या आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस उस डायबिटीज़ से अलग है जिन महिलाओं को पहले से ही डायबिटीज़ की समस्या है। यह यूजुअली 6 महीने के गर्भावस्था के बाद ही दिखाई देती है और ज़्यादातर महिलाओं में 30-50% महिलाओं में डिलीवरी होने के बाद यह ठीक भी हो जाती है। लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि अगर आपको इस प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हुई है तो आगे भी प्रेगनेंसी में होने की संभावना रहेगी और आगे भी आपको अपने फ्यूचर में टेस्ट कराते रहना चाहिए, क्योंकि आपको डायबिटीज़ होने की शिकायत हो सकती है। क्यों होती है? शरीर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देते। इंसुलिन वो हार्मोन जो कि ग्लूकोज को एक एक सेल के अंदर डालने में हेल्प करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो यह ग्लूकोज या शुगर खून में ही रह जाता है और पेशाब के रास्ते निकलना शुरू हो जाता है। कैसे पता करेंगे कि क्या आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस की शिकायत है? यदि आपको प्यास ज़्यादा लगती है, अगर आप पेशाब बार बार जाती हैं, रात में बार बार उठ के पेशाब जाना पड़ता है, थकान ज़्यादा लग रही है, पेशाब आप देखेंगी तो गाढ़ी पेशाब अगर आपको आ रही है, अगर सिर चकरा रहा है, घबराहट है, उल्टी आ रही है, कई बार दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है और यदि आपका ब्लड प्रेशर भी अधिक आ रहा है तो यह ज़रूर से ध्यान देना होगा कि कहीं शुगर तो आपके लेवल में आपके शरीर में तो नहीं बढ़ रही है। इसका असर आपके पेट में बढ़ रहे बच्चे के ऊपर पड़ता है। बच्चे को शुगर अधिक मात्रा में मिलती है जिसकी वजह से बच्चे का वज़न 4 किलो तक पहुंच सकता है और जब वज़न ज़्यादा होता है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं कम हो जाती हैं और सिजेरियन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी शुगर लेवल ग्लूकोज अगर बढ़ जाता है ब्लड के अंदर तो यह भी देखा गया है कि बच्चा अचानक ही पेट में ख़त्म हो जाता है, स्टिल बर्थ हो जाती है। और यह क्यों होता है इसका कोई बहुत कारण अभी तक ढंग से पता नहीं चल पाया है। जिन महिलाओं को डायबिटीज़ की शिकायत है उनमें 30-50% स्टिल बर्थ या पेट में ही बच्चे की मौत हो जाने की परेशानी देखी गई है। साथ ही साथ महिलाओं के अंदर कमज़ोरी आना भी एक बहुत बड़ा कारण है और सिजेरियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चा
सीजर के बाद भी अगर पैदा होता है तो ऐसे बच्चे में अचानक से उनके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने की संभावना रहती है, पीलिया होने की संभावना बढ़ जाती है, इन्फेक्शन्स होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या वो चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने शरीर में डायबिटीज़ मेलाइटस होने से रोक सकते हैं? कोशिश कीजिए कि अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए चाह रही हैं तो अपना ब्लड शुगर लेवल पहले ही कंट्रोल कीजिए और साथ में अपना वेट भी कंट्रोल कीजिए, यानी कि आपका वेट आपके हाइट के अनुसार होना चाहिए। मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, चाहे फास्ट वॉक हो 30-40 मिनट्स हर रोज़ कीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज, स्विमिंग, कुछ भी अपने शरीर के पसीना निकालने वाली कुछ भी एक्सरसाइज ज्वाइन कीजिए, जिससे कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से जो आप प्री डायबिटिक स्टेट में जाएंगी वह आपको आगे डायबिटीज़ होने से बचा पाएगा। साथ ही साथ ये भी आपको देखना होगा कि आप डाइट कंट्रोल करें, जिसमें बहुत ही शुगरी फूड्स, कोलाज, फ्रूट जूसेस जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को अवॉइड करना होगा। अत्यधिक प्रोसेस्ड चीज़ या प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड्स को अवॉइड करना होगा। हरी सब्जियाँ, दालें, फल, दूध, दही, बट बिना मिलाई के कम घी वाला खाना इस्तेमाल करें, और हरी सब्जियां, दालें, फल, दूध, दही का इस्तेमाल करें और साथ में मॉडरेट एक्सरसाइज करें। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो ही गई है, आपकी रिपोर्ट में यह आता है कि फास्टिंग ग्लूकोज भी बढ़ के आता है और साथ में आपका ग्लूकोज पीने के बाद भी अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ के ही आता है, तो अब यह समय है चेत जाने का और डॉक्टर की सलाह अच्छे से मांगने का। ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि डाइटरी मॉडिफिकेशन से, डाइट को कंट्रोल करके और बहुत ही गाइडेड एक्सरसाइज करके आप इसको कंट्रोल में ला सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में अगर यह कंट्रोल में नहीं आती है तो हमें इंसुलिन भी देनी पड़ सकती है, जो कि एक डॉक्टर की गाइडेंस में ही लेनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने से काफ़ी हद तक आप डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, डायबिटीज़ अगर किसी महिला को है तो उसके ब्लड प्रेशर का चेकअप भी बहुत नियमित रूप से कराना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं में ब्लड प्रेशर अधिक होने की, हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना भी देखी गई है, जिसकी वजह से झटके आने की बीमारी इत्यादि भी देखी गई है। जानकारी ही बचाव है, इसलिए ये ज़रूरी है कि यह जानकारी आप अच्छे से समझें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।